अंजना को केवल पूर्णिमा तक का समय दिया था। उसके पश्चात अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस स्वर्ग लोक लौटना था। पंचपन ने अतिबल को भेजकर हनुमान को बुलवा तो लिया, किंतु पंचपन को हनुमान की शक्तियों का अनुमान नहीं था। हनुमान की वज्र समान देह पर पंचपन के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंततः उसे अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। किंतु इस युद्ध में हनुमान के मित्र विष के प्रभाव में आ गए और उधर महाराज केसरी अपने मंत्री, सेनापति और अन्य सैनिकों के साथ पंचपन को ढूंढने निकल पड़े। इधर पंचपन ने भी विषाक्त हुए सुमेरु वासियों को आक्रमण के लिए भेज दिया। देखते ही देखते विषाक्त हुए सुमेरु वासियों ने उन सब पर आक्रमण करके उनको भी विषाक्त कर दिया। हनुमान ने कुछ गांव वासियों को तो बांध दिया, किंतु महाराज केसरी व अन्य को पंचपन ने अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लिया। हनुमान के विषाक्त हुए मित्रों ने नानी को भी विषाक्त कर दिया। उन सब ने अंजना पर भी आक्रमण कर दिया, किंतु हनुमान ने अपनी माँ को बचा लिया। पंचपन ने पुनः चाल खेली और अतिबल को कहकर महाराज केसरी के बहाने हनुमान को पुनः बुलाया। प्रभु, इस पंचपन ने तो भयानक विनाश लीला मचा रखी थी। हाँ प्रिय, इस बार हनुमान के विरुद्ध उसने बहुत भयंकर व्यूह रचना बना रखी थी। जिस जाल में हनुमान को उलझाना था उसकी कल्पना तो स्वयं हनुमान ने भी नहीं की थी, किंतु इसी महालीला से ही हनुमान का महाकल्याणकारी नाग मेखला अवतार हुआ। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाह अतिबल वाह, हनुमान को मेरे चंगुल में ले ही आए। बल बला बल बल, अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। क्यों धक्का लगा सुनकर? हाँ, अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। धक्का? नहीं तो, मुझे तो पहले ही ज्ञात हो चुका था कि ये अतिबल तुम्हारे साथ है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो, दंडित करो इसे। अतिबल को इतना कुछ कैसे ज्ञात है इसके बारे में? भ्रम हुआ है तुम्हें पंचपन। अतिबल मुझे यहाँ नहीं लाया है, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ यहाँ पर। हनुमान को तो मेरा एक विशेष आज्ञाकारी दास मारेगा। केसरी,
महाश्री। ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। अब लगा धक्का तुम्हें। तुम्हारे पिताश्री मेरे अधीन है अब, मेरे आज्ञाकारी दास। और अब देखना कैसे तुम भी मेरी आज्ञा मानते हो। पंचपान, अब सुनो, तुम्हारी देह पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु विष देह के भीतर चला गया तू। अग्नि से अप्रभावित रहते हो तुम, किंतु जब लावा देह के भीतर गया था तब तुम पर लावा का प्रभाव तो पड़ा ही था। है ना अतिबल? बलबला बलबल। अब तुम अपने पिताश्री के हाथों पियोगे ये विष। मेरा युगों पुराना विष, यह विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पिताश्री भी पंचपान के विष के प्रभाव में आ गए। अतिबल, तुम तो बता रहे थे कि हनुमान अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, किंतु ये तो अपने पिता की आज्ञा ही नहीं मान रहा। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पुत्र, खीर खाओ। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। अब अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु किया था विष का पान। पिता के सिरे विष अधीन है, नहीं है अपने पुत्र का भान। हनुमत है आज्ञाकारी विष, पीकर रखते पिता का मान।
प्रजा और पिता की रक्षा को कटिपथ महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ हे प्रभु, सुमेरु के सभी वासियों की रक्षा कर। अब तुम पीछे हट जाओ केसरी, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम्हारी वरदानी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान, अंत होगा तुम्हारे पिताश्री का, अंत होगा सारे सुमेरु वासियों का। विनाश, महाविनाश। मेरे दासों जाओ, विनाश कर दो सबका, अंत कर दो सबका, हाहाकार मचा दो पूरे सुमेरु में। पंचपन को ऐसा नहीं करने दूंगा। चूक गए, पुनः मारो। किस पर हाथ उठाओगे, किस पर प्रहार करोगे, मुझ पर या अपने पिताश्री पर? तुम कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान, मेरा विष तुम्हारे प्राण हर लेगा। यहां तुम मरोगे और वहां तुम्हारे राजभवन में मेरे दास उसी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी नानी को मारेंगे, तुम्हारी मां को भी मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा राजभवन में। हनुमान, एक बार तुमने मुझे परास्त किया था, किंतु अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। महारानी जी, विशाख नगरवासी भवन की ओर आ रहे हैं। तुम सब दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर दो। जी महारानी जी। प्रभु, इस संकट को हरो, मेरे स्वामी सकुशल और हनुमान पुत्र विजयी हो। बस हनुमान, कुछ अंतिम पल बचे हैं, अपने माता पिता का स्मरण कर लो। कर लो, कर लो। मात पिता की सीख को हनुमान करते हैं ध्यान। इच्छा शक्ति का संचय कर विष को लिया हनुमत ने नाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
करूं स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। कहां छुप गए पंचफन? सामने आकर सामना करो। असीम मायावी शक्ति प्राप्त हो चुकी है इन मणियों से। अब मानव रूप में ही तुम्हारा सामना करूंगा हनुमान। आ रहा हूं मैं। मेरे दासों, आक्रमण कर दो हनुमान पर। मैं इन्हें क्षति भी नहीं पहुंचा सकता और इन्हें रोकना भी आवश्यक है। कल ही मुझे कुछ करना होगा। ये क्या कर रहा है हनुमान? मैं इन्हें लता से बांध देता हूँ। ये लता? फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या क्या कर रहा है इससे? महारानी जी, वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। जाओ, तुम सब जाकर छुप जाओ। हाँ। लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। पीछे से वार करता है कायर। पीछे से वार करने वाले एक योद्धा को ये शोभा नहीं देता। फिर लुप्त हो गया ये। अब तू कहीं भी छुप ले, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। बलबला बलबल, इन पांच मणियों में ही कुछ है जो पंचफन की सहायता कर रहा है। श्ष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 
पांच फन से निकले हुए पांच भिन्न प्रकार के विष का रंग और इन पांच मणियों का रंग समान है। इसका अर्थ है कि इस पंचफन के हर एक फन का संबंध एक मणि से है। इन्हें नष्ट कर दूं तो? दंड दूंगा हनुमान, मेरे दासों। हनुमान के पिता केसरी का अंत कर डालो, मार डालो इसे। पिताश्री, अपने पिताश्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, अंत करना होगा मेरा, सामना करना होगा मेरा, तब तुम उन तक पहुंच पाओगे हनुमान। ये तो पिताश्री के समीप पहुंच रहे हैं, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। पंचफन! फिर से सर बन गया। ये मणियां, देखता हूं क्या होता है। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए मां। पंचफन की पांच मणियां, तो ये मणियां ही है इसकी शक्ति का रहस्य। लगता है इसके प्राण भी इन पांच मणियों में ही बसे हैं। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, बुद्धि के है ये भंडार, बुद्धि की शक्ति से करते
पंचफल की मणियों पर वार। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम। जय 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 रघुनंदन राम। जय जय महाबली हनुमान। पंचफल, तुम्हारी ये मणियां तुम्हें अब कोई शक्ति नहीं दे पाएंगी। पंचफन, इन पांच मणियों के साथ ही तुम्हारा अंत होगा। अब केवल तुम्हारी अंतिम मणि ही बची है पंचफन। इसके समाप्त होते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे। हनुमान, माँ कैसे अपने आंखों के समक्ष अपने पुत्र को मरते हुए देख सकती है? हनुमान, अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। कहलाते वो भुजंग भूषण, शिव अंश महाबली हनुमान, करते हैं पंच फन को धारण। नाग मेखला धारी हनुमत का अद्भुत अनुपम ये रूप, पूजेगा संसार नित दिन नाग मेखला हनुमत रूप। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। हनुमान, आपने मेरे पुत्र को क्षमा ही नहीं किया, अपितु उसे अपने देह का आभूषण भी बनाया है। ये माँ आपको आशीर्वाद देती है, आपकी सदा विजय होगी।
हे भुजंग भूषण, आपके रुद्रांश ने तो आपके समान ही नाग को धारण कर लिया है, नाग मेखला अवतार धारण कर लिया है हनुमान ने। युवराज हनुमान, मेरे पुत्र पंचफन को आपने अपने देह पे धारण करके नाग मेखला रूप धारण किया है। हे माँ, आपके कृतज्ञ है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपके इस नाग मेखला स्वरूप को जो भी स्मरण करेगा उसे कोई भी सर्प बाधा कभी नहीं आएगी। पंचफन, तुम्हारी माँ की ममता ने तुम्हें रक्षित किया है। उनका वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने राक्षसी वृत्ति को त्याग देना होगा, त्याग करके सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। हनुमान, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे पुत्र में परिवर्तन आ गया है। ये माँ आपको शत शत नमन करती है। मेरा भी नमन स्वीकार कीजिए हनुमान। पिता की आज्ञा से मैंने विष पी लिया था, उन पिता ने मुझे एक सीख भी दी थी कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। जो अच्छे होते हैं उनसे तो सब अच्छा व्यवहार करते ही हैं, किंतु जो बुरे होते हैं उनसे अच्छाई करो तो वो भी अच्छे बन जाते हैं। एकाएक क्या हो रहा है इन सबको? बलबला बलबल, ये क्या होने लगा इन लोगों को? सब मूर्छित क्यों हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? सब स्वस्थ तो लग रहे थे, ये एकाएक क्या होने लगा? पिताश्री, हनुमान, आप जो सोच रहे हो वो सत्य है। ये सब विष का ही दुष्प्रभाव है। मैंने इसे समझाया था कि तुम्हारे विष का परिणाम बहुत ही भयानक होगा,
तुम अपने विष का प्रयोग केवल अपने प्राण बचाने में करना, परंतु ये नहीं समझा। ये सब इसी का परिणाम है जो आज सभी के प्राण संकट में आ गए हैं। हाँ, मेरे ही विष से ये सब विषाक्त हुए, किंतु बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं इन्हें इस विष के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकता। ये सब किसी पर अपने विष का प्रभाव तो नहीं डाल सकेंगे, किंतु जो विष इनके भीतर गया है वो इनके प्राण हर लेगा। बस कुछ समय और ये जीवित रहेंगे। हे भगवान, इनकी यही दशा रही तो अनर्थ हो जाएगा। किससे उपचार कराऊं इनका? ये सब ऐसे ही संकट में पड़े हुए। किंतु कोई तो उपचार होगा इनका। बोलो पंचपन, कोई तो उपचार होगा। क्या हुआ पंचपन, बता क्यों नहीं रहे हो? क्या है कोई उपाय? हाँ, उपाय तो है। किंतु ना होने के समान दैत्य गुरु शुक्राचार्य वही इस विष का उपचार अपने संजीवनी विद्या से कर सकते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो असुरों और देवताओं के गुरु हैं। वो किसी भी परिस्थिति में इनका उपचार नहीं करेंगे। कोई अन्य उपाय भी तो होगा। कैसे अपने पिता को सकुशल अपने साथ ले जा पाऊंगा? कैसे सभी सुमेरु वासियों की रक्षा कर अपना युवराज धर्म निभाऊंगा? हे प्रभु, हे भोले बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं इन्हें स्वस्थ कर पाऊं। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। आयुष्मान भव। इस विष का एक उपाय है हनुमान। ये उपाय है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप? किंतु वहां जाकर लौटना तो असंभव है। देह शक्तिहीन हो गई हो। हनुमान और महाराज ना जाने कहां हैं। क्या हुआ होगा उनके साथ? इस विष का एक उपाय है हनुमान। ये उपाय है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप?
किंतु वहां जाकर लौटना तो असंभव है। लौटना क्या, वहां तो जाना ही बहुत दुर्गम है। सत्य कहा तुमने पंचफन, किंतु निष्पाप बालक, ब्रह्मचारी व त्रिदेव ही वहां जा सकते हैं। तब तो मैं अवश्य जाऊंगा वहां। कहां स्थित है प्रवालद्वीप? यहां से दक्षिण पूर्व में 100 योजन की दूरी पर स्थित प्रवालद्वीप, जहां पर लाल रंग का विषैली करणीय पुष्प पाया जाता है, उसी से इन सब का उपचार हो सकता है। किंतु इसमें तो अधिक समय लग जाएगा, जबकि सूर्यास्त होने से पहले यदि इन सब का उपचार नहीं हुआ तो इनमें से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। प्रवाल द्वीप की रक्षा एक ब्रह्म राक्षस करता है। वहां जाकर कोई वापस नहीं लौटा है। मेरे लिए एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। अभी वहां जाता हूं, आज्ञा दें गुरुदेव। जाओ वत्स, वहां से चमत्कारी पुष्प लेकर आओ। पुत्र हनुमान, सावधानी और धैर्य से कार्य लेना। पुत्र हनुमान, हनुमान आप अपना ध्यान रखना। इन सब पे तो मेरे पुत्र ने मात्र अपने विष का छिड़काव ही किया है, पर आपने तो विष का पान किया है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप दोनों इन गांव वालों का ध्यान रखिए। मैं अभी प्रवालद्वीप से होकर आता हूँ। प्रणाम। हनुमान, महाराज केसरी और सबको लेकर मैं सुमेरु जाता हूँ, वहीं इनकी उचित देखभाल हो पाएगी। प्रणाम पिताश्री। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे पुत्र। हनुमान, सूर्यास्त से पहले ही लौटाना, अन्यथा इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। अब इन सबका जीवन तुम्हारे हाथों में है। अवश्य। संपत्ति और विपत्ति दोनों ही नश्वर हैं, स्वप्न के समान क्षणिक, किंतु दोनों ही कर्म के अधीन है। जिस प्रकार उचित दिशा में कर्म करने से संपत्ति के सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार उचित दिशा में प्रयास करने से विपत्ति के दुख को भी दूर किया जा सकता है। हनुमान के समक्ष तो महाविपत्ति मुंह बाहे खड़ी थी, किंतु हनुमान बिना शिथिल हुए अपने कर्म पथ पर निकल पड़े थे, क्योंकि कर्म से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और जो अपने कर्म को छोड़कर आलस्य का आवरण ओढ़कर निष्क्रिय पड़ा रहता है, वो अपने अनमोल जीवन को नष्ट तो करता ही है, दुर्गति को भी प्राप्त होता है। ये हनुमान को क्या हो गया? यहां से निकला भी, किंतु मुझसे मिलना तो दूर, इस और देखा तक नहीं।
अवश्य ही कुछ अनहोनी हुई है। सुमेरु, सुमेरु में अवश्य ही कुछ हुआ है। अब तक तो सुमेरु का विनाश हो चुका होगा। आप यहाँ हंस रहे हैं मायासुर जी? वहाँ हनुमान पंचफन को परास्त करके उसे अपना मित्र बना लिया है, और अब उन सबको विष से मुक्ति दिलाने के लिए प्रबाल द्वीप जा रहा है। मायासुर, रोकना होगा उसे। जाइए और उसे रोकिए ताकि वो विशल्य करनी पुष्प लेकर ना लौट सके। और यदि सूर्यास्त होने से पहले हनुमान को रोक लिया तो समस्त सुमेरु वासी और महाराज केसरी सब के सब मारे जाएंगे, और वो वानर बालक पूरी तरह से टूट जाएगा। बल बला बल बल, जाइए जाइए, रोकिए उसे। स्वामी, ये क्या हो गया है आपको? आप तो सुमेरु वासी नहीं है, कौन है आप? प्रणाम महारानी जी, मैं पंचफन हूं। पंचफन? वही मायावी नाग जिसके कारण सब विषाक्त हुए हैं। किंतु अब मुझे अपने भूल का आभास हो चुका है। आप सब भयभीत मत होइए, ये सब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। युवराज हनुमान प्रवाल द्वीप गए हैं चमत्कारी विशल्यकरणी पुष्प लाने। वो समय रहते पुष्प ले आए तो ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी जी, मैं अपने किए पर लज्जित हूं। आशा है हनुमान समय रहते ही पुष्प ले आएंगे। हे प्रभु, हनुमान शीघ्र ही विशल्य करनी पुष्प लेकर लौट आए, कृपा करना भोलेनाथ। अब क्या करूं, किस ओर जाऊं? प्रवाल द्वीप ये है या वो? दोनों द्वीप तो एक ही समान दिख रहे हैं, किंतु अब कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? क्या करूं, किससे पूछूं अब मैं? युवराज हनुमान, प्रणाम। आप यहाँ? आपके पिता महाराज केसरी कैसे हैं? पिताश्री अस्वस्थ हैं, और उनके उपचार के लिए मुझे प्रवाल द्वीप से विशैले करनी पुष्प लाना है, किंतु मुझे ज्ञात ही नहीं कि प्रवाल द्वीप कहाँ है। वो द्वीप देख रहे हैं आप,
वो द्वीप ही प्रवाल द्वीप है। धन्यवाद, प्रणाम। हमने तुम्हें उस मार्ग पर भेजा है जहां तुम्हें विशल्यकरणी पुष्प नहीं मृत्यु मिलेगी, भयानक मृत्यु। अभी भी असामान्य अवस्था में है महाराज। महाराज की दशा बिगड़ती जा रही है। उस भयानक विष के आगे हमारी कोई भी औषधि कार्य नहीं कर रही महारानी जी। अचानक कहाँ पाएगा हनुमान विषैले करने पुष्प लेकर। धीरज रखिए महारानी माँ, हनुमान आता ही होगा। हनुमान, हनुमान। देवगुरु बृहस्पति ने तो प्रवाल द्वीप भी बताया था कि यहीं पर ही विषैले करणी पुष्प मिलेगा, किंतु मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि विशल्यकरणी पुष्प कहाँ है। हनुमान, तुम प्रवाल द्वीप में ही हो ना? कोई और द्वीप में तो नहीं आ गए? हनुमान, सूर्यास्त से पहले ही आ जाना, अन्यथा इनके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। समय तो बहुत ही कम है मेरे पास, सूर्यास्त होने में कुछ ही पहर शेष है। सूर्यास्त से पहले मैं ढूंढ ही लूंगा विषैले करणी पुष्प। मुझे अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ करनी होगी। कहाँ है ये लाल रंग का विशल्यकरणी पुष्प? ये भी लाल रंग के ही है। विषैले करणी पुष्प भी वहीं पर ही होंगे। ये तो वो पुष्प नहीं है जो देवगुरु ने बताए थे। महाराज, अब नेत्र बंद मत करिए, आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तेज श्वास लीजिए। हाँ महाराज, आप साहस मत छोड़िए।
महाराज पर विष का बहुत प्रभाव है। मुझे कोई आशा नहीं लग रही है। कहीं सुमेरु के लिए अमावस्या ना बन जाए आज की ये पूर्णिमा। राजवैद जी, आपका ऐसा कहना अनुचित है। वैद को अंतिम श्वास तक जीवन की आशा को नहीं त्यागना चाहिए। हनुमान आता ही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर महाराज की बिगड़ती दशा, उधर हनुमान न जाने कहां उलझा होगा। और उस पर इंद्रदेव का बुलावा। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। हे भगवान, मुझे शक्ति और शांति प्रदान कीजिए। मेरा हनुमान आएगा, पिता और सबके लिए वो पुष्प लेकर आएगा। मुझे विश्वास है, मैं जाते जाते उसे अंतिम बार देखूंगी। मेरे पुत्र और सकुशल पति परमेश्वर को अंतिम बार। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? ये कैसी ध्वनि है? ए, कौन है तू? जलदैत्यों के मुखिया जलासुर के क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया तू? जलासुर? जलदैत्यों के मुखिया? मेरे प्रिय महाबली जलदैत्यों, बाहर आओ। ये देखो, ये बालक छोटा सा कोमल देह वाला। क्यों इस प्रकार घेर रहे हैं मुझे? क्या चाहते हैं आप सब? हम तुझे चाहते हैं, तुझे खाने में आनंद आएगा। ले चलते इसे। अरे छोटा सा बालक तो पर्वत की तरह स्थिर हो गया है। सूर्यास्त होने में और ये सब मेरा मार्ग रोक रहे हैं। वानर, तुझे अपने षड्यंत्र से यहां तक लाया हूं। अब यहां से जाने तो नहीं दूंगा मैं तुझे। देखता हूं कैसे तू परास्त कर पाता है इन जलदैत्यों को। युवराज हनुमान।
ये तुम पर आक्रमण कर रहे हैं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तू इसकी सहायता करेगा? ये तो दैत्य हैं, इनसे मैं बिना शस्त्र नहीं लड़ सकता। आप भयभीत मत होइए, मेरे होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी। ये गदा तुम मुझे दे दो, मैं मारूंगा इन दैत्यों को इस गदा से। मैं संभाल लूंगा इन्हें, आप चिंता मत करिए। अरे दो ना। हाँ? अच्छा, ये भी एक दैत्य ही है। मैं तुम्हारे पिता का मित्र नहीं, समस्त वानरों का शत्रु हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देने के लिए ही यहां लाया हूं। मैं असुर हूं मैं। विपत्ति के समय धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जीवन के संग्राम में जिसने भी धैर्य और विवेक से विपत्ति का सामना किया, विजय उसी की होती है। जो मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका भाग्य भी उनसे रुष्ट होकर बैठा रहता है। अतः कर्म करते हुए संकट से लड़ने वाला ही संकट से मुक्ति पाता है। अच्छा, ये तुम्हारी चाल थी? ये चाल नहीं, जाल था मेरा, जिसमें तुम उलझ चुके हो। अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। सूर्यास्त से पहले कैसे विषैले करनी पुष्प लेकर पहुंच पाऊंगा? जल्द आते हो, टूट पड़ो इस वानर पे। मेरे इस अस्त्र से कोई नहीं बच पाता, तू भी नहीं बच पाएगा। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है, कुछ ज्ञात नहीं हो रहा हमारा हनुमान कब आएगा। स्वामी की दशा बिगड़ती जा रही है और ऊपर से पूर्णिमा भी आज ही है, न जाने क्या होने वाला है। मात अंजना की प्रभु से विनती, मेरी ममता की रखना लाज। मांग की लाली पे हुआ आघात, प्रभु सफल करो हनुमत काज। सकुशल देखूं पुत्र पति, यही विनती करती आज। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जल चाहिए, जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है।
मुझे कोई जल पिला दो। सेविका शीघ्र जल लेकर आओ। गंधमादन धीरज धरो, गंधमादन जल पियो। हनुमान के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सबकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। महारानी जी, अनर्थ होने वाला है। पूरे सुमेरु में दो सहस्त्र लोग मृत्यु के मुहाने पर खड़े हैं। यदि विलंब हुआ तो उनकी मृत्यु निश्चित है। राज का भविष्य और अस्तित्व दोनों संकट में पड़ जाएगा इस विनाश लीला से। हे प्रभु, ऐसा भयंकर विनाश! अब ये क्या करने जा रहा है? कितनी असहाय हो गई हूं मैं। वहां मेरी प्रजा मृत्यु के मुख में जा रही, और यहां स्वामी की दशा भी शोचनीय हो गई है। स्वामी, स्वामी, साहस मत छोड़िए स्वामी, तेज श्वास लीजिए, आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। पंचपन, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। प्रथम तो सुमेरु से परास्त होकर के लौटे हो, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी संजीवनी विद्या से केसरी और उसके सुमेरु वासियों के प्राणों की रक्षा करूं, उन्हें विष से मुक्ति दिलाऊं। गुरुदेव, आप ऋषि हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हीं शिव जी की कृपा से आपको संजीवनी विद्या की प्राप्ति हुई। महाराज केसरी और उनका परिवार भी उन्हीं महादेव का भक्त है। इस संबंध से तो आप संबंधों की दुहाई मत दो पंचपन। मैं दैत्यों का गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मेरा इन समस्त वानरों से मात्र एक ही संबंध है, शत्रुता का, क्योंकि ये वानर दैत्यों के शत्रु है, और इस संबंध से मैं भी हनुमान और समस्त वानरों का विनाश चाहता हूं। लंकेश रावण की भी यही इच्छा है। पंचपन, यदि तुम्हारे विष से वानरों का सर्वनाश होता है तो लंकेश रावण तुम्हें अवश्य पुरस्कृत है। गुरुदेव, मेरा पुरस्कार तो वो होगा जब आप शत्रुता भूलकर एक ऋषि का कर्तव्य निभाते हुए उन सबके प्राण। पंचपन, अब मेरे कर्तव्य तुम मुझे बताओगे? क्षमा करें गुरुदेव, मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप उन असुरों का साथ छोड़कर शिव भक्त केसरी और उनके परिवार के साथ हो जाए तो ये उचित ही होगा। बस करो पंचपन, मुझे उचित अनुचित की परिभाषा अब तुम सिखलाओगे? तुम मेरे शिष्य होने के योग्य ही नहीं हो। क्षमा करें गुरुदेव। पंचपन, तुमने आसुरी वृत्ति को त्यागा है, इसलिए अब तुम समस्त आसुरी और मायावी शक्तियों के योग्य भी नहीं हो। ऐसा मत करें गुरुदेव, क्षमा कीजिए, ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। देखा, तुम्हारे इस हनुमान भक्ति ने तुम्हें शक्तिहीन बना दिया,
अब तुम मात्र एक सर्प से अधिक कुछ भी नहीं, एक साधारण सर्प। अब रहो यूं ही शक्तिहीन दुर्बल प्राणियों की तरह। जय संकट मोचन महाबली हनुमान। जिन हनुमान के नाम में ही मंत्रों की शक्ति निहित है, उनके शरणागतों को कोई शक्तिहीन नहीं कर सकता। हनुमान के कारण ही मेरे सारे आसुरी तत्वों से मुक्ति मिली है मुझे, विष से भी। प्रणाम गुरुदेव। कभी कभी जाल डालने वाले स्वयं अपने जाल में उलझ जाते हैं। जलासुर, मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता। मेरे पास तुमसे युद्ध करने का समय नहीं है, मुझे शीघ्र ही जाना है। चतुर है ये बालक। ये एकाएक कहां अदृश्य हो गए दैत्य। मैं शीघ्र ही पुष्प लेने जाता हूं। रुक जा बालक, हमसे बच के नहीं जा सकते तुम। पुनः रोक रहे हैं ये मुझे। राजवैद्य जी, क्षमा चाहते हैं महारानी। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तो इन्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते महाराज। हनुमान अभी बहुत छोटा है, आप नहीं जा सकते। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं महाराज। Thank you.
ये क्या आसुरी माया है? सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला है। मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा। अब इसकी जल में श्वास घुटने लगेगी। महारानी माँ, संभालिए अपने आप को। महाराज ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, भ्रम है ये आप सबका। स्वामी देखिए ना ये सब क्या कह रहे हैं। आप कभी हमें छोड़कर जा सकते हैं क्या? पूछ लो ये आंसू, स्वामी अचेत है, हनुमान आएगा, मेरा लाल वो पुष्प लेकर आएगा और स्वामी को स्वस्थ कर देगा, वो सबको स्वस्थ कर देगा। तुम सब रो मत, किसी को कुछ नहीं होने देगा हनुमान। मेरा हनुमान सबके संकट हरता है। आएगा हनुमान। स्वामी उठिए, स्वामी नेत्र खोलिए, स्वामी स्वामी उठिए, आपको उठना ही होगा। बता दीजिए इन सबको कि आप ठीक है। उठिए स्वामी, उठिए, आपको उठना ही होगा, उठिए। मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। अरे ये तो सारा जल पिए जा रहा है। जलासुर अदृश्य होकर युद्ध कर रहे हो, भयभीत हो गए क्या? युद्ध में भय का नहीं, विजय का महत्व होता है वानर बालक। हाँ,
चित्त, एकाग्रता और धैर्य विजय का मंत्र है ये। इसका वध दूसरी युक्ति से करना होगा मुझे। वानर बालक शक्तिशाली तो है ही, चतुर भी है। इसे परास्त करना जल दैत्यों के वश के बाहर है। सूर्यास्त होने को है, इनमें ही उलझा रहा तो सुमेरु वासी और पिताश्री को कैसे बचा पाऊंगा? मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से निकलना ही होगा मुझे। ये कहां गया? ये भी अदृश्य हो गया? लगता ये भी मायावी है। यहाँ पर कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, यही प्रवाल द्वीप होना चाहिए। यही कहीं होना चाहिए वैशल्य करणी पुष्प। ये क्या? मैं पुनः वहीं आ गया जहाँ से निकला था। क्या माया है फिर वही? क्या कोई मुझे उस पुष्प तक जाने से रोक रहा है? वानर बालक, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, इस प्रवाल द्वीप का रक्षक। मेरी आज्ञा के बिना यहां से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। इनसे युद्ध करने लगा तो सूर्यास्त हो जाएगा। इनसे आज्ञा लेकर ही पुष्प ले जाना उचित होगा ऐसे समय में। ब्रह्म राक्षस जी, आप मुझे आज्ञा ही दे दीजिए। मुझे मेरे सुमेरु वासियों और पिताश्री के प्राण बचाने हैं, और मुझे बहुत आवश्यकता है उन विशैल्य करणी पुष्पों की। अच्छा, तो जाओ
ले जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी क्षुधा को तृप्त करना होगा। क्षुधा को तृप्त करना है, अब मैं क्या करूं? किंतु किसी निर्दोष जीव की हत्या पाप है ना? यदि मैं आपका आहार बनूंगा तो पुष कौन लेकर जाएगा? तो तुम बन जाओ मेरा आहार, पुष्प मैं पहुंचा दूंगा। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, एक क्षण यहाँ हूँ तो दूसरे क्षण में सुमेरु पहुंच सकता हूँ। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं सहस्त्रों सुमेरु वासियों और पिताश्री के प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपकी क्षुधा को तृप्त भी कर सकता हूँ। अच्छा ये वचन है मेरा तुम्हें वानर बालक। उचित है, खोलिए अपना मुख, मैं अभी आपकी क्षुधा को तृप्त करता हूँ। ठीक है। आश्चर्य है, हनुमान को ब्रह्म राक्षस ने निकल लिया, फिर वह कैसे बचे? ये जीवन एक चक्र है प्रिय, घूमता रहता है ये चक्र। कल जो कर्म बाल हनुमान ने किया था, आज उनके साथ भी वही घट रहा था। एक समय उन्होंने सूर्य को निकला था, नियति ने आज ऐसी ही स्थिति उनके सामने लाकर खड़ी कर दी। आज हनुमान को भी किसी का ग्रास बनना पड़ा। किंतु ये तो बड़ी ही विचित्र लीला हुई उनके साथ। दूसरों के संकटों का मोचन करने वाले अपने संकट का मोचन कैसे करेंगे? राक्षस जी, मैंने आपका आहार बनके आपकी इच्छा तो पूर्ण कर दी, किंतु मुझे मेरे सुमेरु वासियों के लिए वो पुष्प लेकर जाना सूर्यास्त से पूर्व भी तो आवश्यक है। मुझे क्षमा कर दो वानर बालक। आप मेरे जीवन में उद्धारकर्ता भगवान बनकर आए हैं बालक। आपके ही कारण मुझे ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिली है। मेरे दुष्कर्मों के कारण मुझे ऋषि अग्निवर्ण ने श्राप देकर इस योनि में पहुंचा दिया। मेरी मुक्ति तभी होनी थी जब कोई दिव्य शक्ति मेरे मुंह में जाती, इसीलिए मैं सबको अपना आहार बनाता था। आप ईश्वरीय शक्ति बनकर मेरे मुंह में गए और मुझे मुक्ति मिल गई। अब अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए प्रभु। अरे अरे अरे,
ये आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देव? मैं सुमेरु की महारानी अंजना का पुत्र हनुमान हूँ। मैं अभी बालक हूँ और आप मुझसे बड़े हैं। माँ कहती हैं कि बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। यदि बड़े छोटों के चरण छूते हैं तो छोटों को पाप लगता है। आप मुझे आशीर्वाद ही दे दीजिए बस। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है दिव्य बालक हनुमान। ब्राह्मण देव, आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे मेरे सुमेरु वासियों और पिताश्री के प्राण बचाने हैं और मुझे यहाँ से एक बूटी चाहिए, विशल्यकर्णी पुष्प, और उसे मुझे सूर्यास्त से पहले सुमेरु ले जाना है। अभी कुछ ही समय शेष है। सब आपके हैं। अच्छा, तो यही है विशल्यकर्णी पुष्प। क्या हुआ, कुछ समस्या है? वो ब्राह्मण देव, अभी भी कुछ विष का प्रभाव रह गया है अंदर और मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र ही ये पुष्प लेकर सुमेरु लौटना होगा। बस एक क्षण के लिए रुकिए। अब आपको विष बाधा नहीं सताएगी। धन्यवाद ब्राह्मण देव। प्रणाम। आपका कल्याण हो। कारण हुआ है और मैंने इसे जन्म दिया है। हम दोनों आपके अपराधी हैं। मैंने तो प्रयास किया दैत्य गुरु शुक्राचार्य से इन सब की विष बाधा हरने के लिए विनती भी की, किंतु उन्होंने मेरी विनती ठुकरा दी। मैं असफल हो गया। मुझे मृत्यु दे दीजिए अब। मेरे कारण सब समाप्त हो गया। महाराज केसरी भी। बस, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है। मेरा हनुमान आएगा, मेरे लाल के रहते हुए किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता।
प्रवाल द्वीप से कोई नहीं लौटा है आज तक। सुमेरु में अमावस का अंधकार बनकर निकलेगा आज पूर्णिमा का चांद। वो देखो क्या है वहां। देखिए स्वामी, हनुमान आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए माँ, विशल्यकर्णी पुष्प। हनुमान, सब समाप्त हो गया? नहीं, अभी है कुछ पल। लखन जियाए श्री रघुवीर हर शि। पंचफन, तुम ये लो। वैद्यराज जी आप यहाँ आइए। वैद्यराज जी आप इन सारे गांव वालों को स्वस्थ कर दीजिए। जी युवराज। पिताश्री, आपको कुछ नहीं होगा। स्वामी, हनुमान, देखो तुम्हारे पिताश्री।